जो अकॉर्डिंग टू मी द क्वेश्चन सेज एज एज इज थ्री टाइम्स दैट ऑफ बीज एज एंड फोर इयर्स लेटर एज एज इज 12 इयर्स मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ बी. फाइंड द एजेस ऑफ ए एंड बी. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ए की एज को एक्स इयर्स और बी की एज को वाई इयर्स लेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है. अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए. बच्चों, हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहता है? ए की एज मैंने आपके सामने मेंशन कर दी एक्स है, और बी की एज मैंने आपके सामने मेंशन कर दी वाई है. अब आप मुझे बताओगे कि इनमें क्या डिफरेंस बताया है मैंने, क्या क्वेश्चन में हिंट दिया है. एज एज इज थ्री टाइम्स दैट ऑफ बी. ए की एज तीन गुना है, तो मैं तीन की गुना किससे कर दूं बेटा? वाई. इक्वल हो जाए. वाई. बिल्कुल सही, थ्री वाई में मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ए तो पहले ही थ्री टाइम्स है. मैं उसमें थ्री और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो नाइन टाइम्स हो जाएगा. हमें छोटे वाले में ले जाकर मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए. दिस हैज बिकम माई फर्स्ट इक्वेशन. ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा, सबसे पहली चीज, इट हैज बिकम माई फर्स्ट इक्वेशन. अब आइए सेकेंड इक्वेशन को करने के लिए. मैंने कहा फोर इयर्स लेटर या आफ्टर फोर इयर्स, तो पहले तो ये बात मेंशन कर लेते हैं, फोर इयर्स लेटर या आफ्टर एक ही बात होती है बेटा. ठीक है, आप में एज एज क्या रह जाए हो जाएगी. अब एज एज इक्वल टू जो पहले एक्स था उसमें प्लस फोर हो जाएगा, चार साल बढ़ जाएगा. बी की एज क्या हो जाएगी बच्चे? पहले जो एज थी उसकी वाई, उसमें वो चार साल और बढ़ जाएगा. ये हुआ चार साल बाद. अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा करेंगे. आपके अकॉर्डिंग दोबारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप पहले दोनों को इक्वेट कर लीजिए, दोनों को आमने सामने लिख लीजिए, फिर उसके बाद सोचेंगे हमें करना क्या है. वाई प्लस फोर, दोनों को इक्वेट कर लिख लिया इक्वेशन में, इक्वल आमने सामने लिख लिया. अब आप डिसाइड करिए. मैंने कहा एज एज इज 12 इयर्स मोर, ए की एज 12 साल ज्यादा है, तो क्या करूं बेटा? 12 किसमें प्लस करूं? आई प्लस फोर. बिल्कुल, 12 यहां प्लस करना है, 12 इयर्स मोर, क्योंकि एक ही पहले ही 12 ज्यादा है, तो दूसरे वाले में ले जाके 12 प्लस कर दीजिए. आपने कर दिया. अब आपको ये बताना है कि मैंने और क्या बोला, मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ बी, यानी कि ट्वाइस वर्ड जो बोला वो भी आपने यहां पर बी के साथ ही करना है, और इसके आगे टू की मल्टीप्लाई करनी है इस तरह से. दिस इज द इक्वेशन सेकेंड. इसे आप सॉल्व करेंगे. जो जो कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है, उन स्टेप्स को आप आगे बढ़ाइए. You will get this solution of question. Left side में A की age है, right side में B की age है. So this is the equation forming. आपने frame किया अपने हाथ से equation. मैंने कह दिया I am three times than your age. इसका मतलब three multiply in our age. है ना? आपकी age में मैं three times multiply कर दूंगा, तो age equal हो जाएगी. अब आपको इस equation को solve करना है और आपको उसको सेकेंड इक्वेशन फ्रेम करनी है. तो मैं सॉल्व करने का तरीका दिखा रहा हूं. x प्लस फोर इज इक्वल टू टू वाई प्लस एट प्लस ट्वेल्व, ये लिखा हुआ है. अब आपने यहां पर x y इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू ट्वेल्व प्लस एट 20 होता है, और माइनस हो गया आके. बताइए एक्स माइनस ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकल कर आ गई. अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए. एक्स की जगह थ्री वाई लगा दीजिए और पूरी इक्वेशन को सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या होंगे दोनों की एज के. ये तो बहुत इजी हो गया, थ्री वाई माइनस टू वाई.
इज इक्वल टू बाय 16 बिल्कुल सही कह रहे हो आप और x 48 इयर्स और अगर मैं x की वैल्यू पूछूं तो आप कह सकते हो वाई था ना तो आप सॉल्व कर दीजिए इसके आगे 3 × 16 यानी कि एज हो गई 48 इयर्स ये हमारा रिजल्ट हुआ आप लिख कर छोड़ेंगे हैंस डन अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन 3 प्लीज राइट फादर्स एज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ daughter's age 5 years ago father was 7 times that of daughter's age find their present ages this is the question pehle maine aapko diya ye question try to do it ye to aapko acche se pata lag gaya hoga aapko do log hain yahan par ek papa aur ek beti to father's age आपको लेट कर लेना चाहिए फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स इयर्स एंड डॉटर्स एज वाई इयर्स यही 5 गुना है ये जो एक्स दिख रही है आपको आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है वाई में जाकर प्लस नहीं करना ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई 5 years ago है ये ठीक है 5 years ago father was 7 times 5 years ago क्या होता है बेटा 5 years ago का मतलब सर 5 साल -5 ओके वेरी गुड 5 साल पहले का मतलब -5 father's age जो हमारी पहले दिख रही है x उसमें से मुझे -5 कर देना चाहिए और ऐसे ही डॉटर्स एज जो मुझे दिख रही है उसमें से भी वाई में से -5 कर देना चाहिए दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब अगेन मैं इक्वेट करने के लिए पहुंच रहा हूं मैडम जब आप इक्वेट करोगे आपका फर्ज बनता है कि आप एक्स -5 लिखेंगे और इक्वल में वाई -5 लिखेंगे और अब सोचेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में मैंने कहा हुआ है 5 साल पहले फादर वाज 7 times दैट ऑफ डॉटर्स एज पापा 7 गुना थे तो बेटी के अंदर यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे ब्रैकेट में रखकर ऐसे बस क्वेश्चन खत्म हो गया आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए एंड फाइंड द आंसर क्या जाएगा एक्स -5 इज इक्वल टू 7y -35 तो आ जाएगा x -7y इज इक्वल टू -35 + 5 क्या होगा वेरी गुड -30 दिस इज द रिजल्ट ठीक है ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई ये आपकी इक्वेशन बन गई अब जो x इक्वल टू 5y दिख रही है बच्चों आपको उसे आप पुट कर दीजिए x की जगह 5y मैंने लगा दिया देखिए -7y दिख ही रहा है इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन और कुछ नहीं है और इज इक्वल टू आपको दिख रहा है -30 है ये लिख दिया अगले स्टेप पे आ जाएगा -2y और इज इक्वल टू आ गया बेटा -30
अब आपको कैलकुलेशन करना है, माइनस से माइनस काट दीजिए, y की वैल्यू निकाल दीजिए, y इज इक्वल टू 30 / 2। जो वैल्यू निकल कर आएगी कितनी आएगी बता सकते हो? 15। वेरी गुड, 15। और ये 15 जो है सेवेटा y की वैल्यू निकली है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो उसी फर्स्ट इक्वेशन में जाकर अपनी वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो x इक्वल टू 5। यही है ना, इसमें जाकर पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 5 × 15। तो ये आपका आंसर क्या निकलेगा बेटो? 75 ये हमारा आंसर है। हेंस लिखकर फादर्स एज, ये हमारी प्रेजेंटेशन है, इज इक्वल टू 75 एंड डॉटर्स एज इज इक्वल टू 15 years। इस तरीके से हमें मेंशन करना आना चाहिए, और आप इस पे लिख के आंसर निकला है जी हमारा।